बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटिंग की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कट शॉट कैसे खेलनी है, कट शॉट कैसे खेलनी है, पुल कैसे खेलनी है और हुक शॉट कैसे खेलनी है। फास्ट बॉलर को कट, स्पिनर को कट कैसे खेलनी है, यही वही आपका स्टांस, ये आप खड़े हैं, आपका राइट फुट कवर में जाएगा, ये और ये कट शॉट है, जो पाँव आपका आगे जाएगा राइट फुट, उसके ऊपर आपका वेट ट्रांसफर होगा, वेट ट्रांसफर होगा तो फिर ही प्रॉपर शॉट लगेगी। दोबारा देखिए, मैं स्लो मोशन में कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ आया, आपका पाँव गया ये और आपने ये शॉट खेला, और बैट जो है वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, फेस खुलना नहीं चाहिए, फेस खुलेगा तो एज लगेगा, स्लिप गली में कैच चला जाएगा। अगेन देखिए, ये हर शॉट का फिनिश शोल्डर के ऊपर है, जैसे गोल्फ के अंदर शॉट मारी जाती है और शोल्डर पे फिनिश होता है, इसी तरह। अब मैं आपको पुल शॉट बताता हूँ, पुल शॉट कैसे खेलनी है। ये पुल शॉट दो किस्म की होती है, एक फ्रंट फुट पे पुल और एक बैक फुट पे पुल। फ्रंट फुट वाली पुल पहले बताता हूँ, उसके बाद बैक फुट वाली। ये आप खड़े हैं, आपने बॉल को गेस कर लिया कि बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ है, आपने ये पाँव थोड़ा सा वाइड किया बाहर की जानब लेफ्ट हो, और बॉल को ऐसे कंट्रोल करते हुए। ये दोबारा देखिए, पुल शॉट, फ्रंट फुट वाली पुल शॉट, अपने टो पे ऊपर लेफ्ट टो पे वजन ट्रांसफर करते हुए बॉडी को थोड़ा सा घुमाना है, ये आपकी फ्रंट फुट पे पुल शॉट है। आप बैक फुट पे पुल शॉट कैसे मारनी है, वही खड़े होने का अंदाज, लेफ्ट फुट थोड़ा सा पीछे जाएगा ये, और यही कंट्रोल करते हुए। दोबारा देखिए, राइट टो थोड़ा सा पीछे, कंट्रोल करते हुए। उसमें आपने आइडिया सेट कर लेना है कि मैंने पुल शॉट मिड विकेट पे मारनी है, स्क्वेयर लेग पे मारनी है या लेग पे मारनी है, वो ये आपको आइडिया होना चाहिए, उस हिसाब से आप मैनेज करोगे, ठीक है। और ये पुल शॉट और कट शॉट मैंने आपको बताई, ठीक है। इसी तरह हुक शॉट है, हुक जो कि थोड़ी मुश्किल शॉट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको बता ही देता हूँ कि हुक शॉट जो होती है वो बैक फुट पे होती है, उसको ऐसे कहते हैं ये, ठीक है, वो ओपिश होती है ये। और ये थी कट शॉट, पुल शॉट और हुक शॉट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।